हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली बीटी यूपी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आउट हुई है जिसमें बहुत सारी चीजें डिक्लेयर कर दी गई हैं। उसमें यह भी बता दिया गया है कि आपकी डेट शीट कब आएगी, आपके एग्जाम्स और सेमेस्टर के कब से होने वाले हैं, बैक पेपर कब से होने वाले हैं, आपने जो बैक पेपर जून में दिए थे उनका रिजल्ट कब आएगा, आपको एग्जाम फॉर्म कब से कब तक भर लेने हैं, ये सारी ही चीजें इस नोटिफिकेशन में बता दी गई हैं। तो इससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊं, उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको रीड करके बताऊं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन डिजाइन, सीएनसी, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, ये सभी सब्जेक्ट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। कंप्लीट फ्रॉम जीरो से हीरो चैनल पर कोर्सेस अवेलेबल है, आप विजिट करें और अच्छे से पढ़ें। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करके रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको एग्जाम की अपडेट मिलती रहेगी, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई मैसेज में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब जो नोटिफिकेशन आई है इसमें काफी बातें इन्होंने क्लियर कर दी है। देखिए, ये 14th को आई है, यानी कि कल ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने विषय। तो यानी कि सबसे पहले ये क्या बता रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं। दिसंबर में एक हिंट भी दिया गया है यहाँ पे और नीचे डेट भी दी गई है। तो जो दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। अब इन्होंने साफ साफ यहां पर लिख करके दिया है, कृपया अवगत कराना है कि परिषद द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा, जो ऑड सेमेस्टर परीक्षा है आपकी, विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2023 की परीक्षाएं दिनांक 27/12/2023 से प्रारंभ होना निर्धारित है। तो ये इनकी कंफर्म डेट है, यह टेंटेटिव डेट है। फिलहाल इन्होंने निर्धारित कर दिया है कि 27/12/2023 से आपके एग्जाम्स, ऑड सेमेस्टर एग्जाम्स, बैक पेपर की परीक्षाएं आपकी होनी है। तो आप सबको अब जो अपनी तैयारी करनी है वो इस डेट के हिसाब से करनी है। मोटा मोटा मान के चलें कि सिर्फ आपके पास 10 दिन है, 10 से ऊपर ना माने आप, ठीक है। विषम सेमेस्टर परीक्षा विशेष बैक पेपर परीक्षा बता दिया है इन्होंने, दिसंबर से सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने की हेतु तिथि 18/12 से लेके 22/12 तक। तो जो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, वो 18 से लेकर के 22/12 तक भरे जाएंगे। यानी कि 18 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज लिखी गई है जो मुझे पढ़ करके बड़ी खुशी हुई, प्राथमिकता के आधार पर छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने की कार्यवाही समयांतरित करना सुनिश्चित करें। यदि कोई छात्र छात्रा परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य का होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने किसको दे दी है, प्रिंसिपल को दे दी आपके कॉलेज के। तो सारी हेडेक किसके, प्रिंसिपल की, आपके फॉर्म कब भरे जाने हैं, कैसे भरे जाने हैं। बीटी यूपी को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें चाहिए आपके एग्जाम फॉर्म्स। तो आपको इसकी टेंशन नहीं है, कॉलेज खुद आपके पीछे भागेगा कि भैया फॉर्म भर दो, ठीक है, नहीं तो डेट निकल जाएगी, आपके क्लास टीचर्स, आपके प्रिंसिपल खुद आपका फॉर्म भरवाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने बहुत सही चीज की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि आप खुद भरवाएं। यहां ये भी अवगत कराना है कि जिन छात्र छात्राओं का सम सेमेस्टर वार्षिक बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में पुनः मूल्यांकन का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, तो जो जून में एग्जाम आपके हुए थे उसका क्या है, अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उनके पुन मूल्यांकन से संबंधित विषय परीक्षा फॉर्म में बैक पेपर में प्रदर्शित होंगे। वे पुन मूल्यांकन परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात यदि पूर्ण मूल्यांकन से संबंधित बैक पेपर क्लियर हो जाता है तो छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में पुनः मूल्यांकन के संबंधित विषय को बैक पेपर से हटा दिया जाएगा। एक दिक्कत है कि देखो, चूंकि परीक्षा प्रारंभ होने में बहुत ही अल्प समय बचा है, अंत किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी।
तो एग्जाम होने में बहुत कम समय बचा है, इसलिए इन्होंने क्या किया है कि बैक पेपर भी आप भर दीजिए, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपके एडमिट कार्ड से उसको हटा दिया जाएगा। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, इनको पहले से टाइम मिलता क्यों नहीं है? ऐसा क्या करते हो भाई कि तुम्हें पहले से टाइम नहीं मिलता है और अब तुम्हें टाइम मिलता है जो बच्चों के एग्जाम होने होते हैं? तो भाई पहले ही अगर आप लोग रिजल्ट आउट कर देंगे, ये मैं बीटीयूपी से बोलना चाहता हूं, तो अगर आप पहले से रिजल्ट आउट कर देंगे तो बच्चा फॉर्म ही क्यों भरेगा? आप पहले ही क्लियर कर दीजिए, बच्चे को आप पहले ही डाउट में रखते हो, उसको एक तो अपने एग्जाम की टेंशन, दूसरी ये टेंशन की बैक क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज इन्हें पहले कर देनी चाहिए, बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा और उसको पता रहेगा कि भाई मुझे 6 पेपर देने हैं, क्योंकि फिर वो तैयारी उस सब्जेक्ट की भी कर रहा होता है जो कि उसका बैक पेपर में क्लियर हो चुका है, लेकिन उसको क्या पता है कि अभी तक बैक पेपर का रिजल्ट आया नहीं है, तो हो सकता है मुझे ये एग्जाम दोबारा से देना पड़े, तो वो फिर से उसकी तैयारी करता है, उसमें उसका टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज इनको पहले क्लियर कर देनी चाहिए कि आपका बैक पेपर क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि फीस भी बच्चे को दोबारा भरनी पड़ती होगी, वो रिटर्न आती है नहीं आती है उसका मुझे नहीं पता है, बहरहाल बच्चे की पॉकेट से जा रहे हैं अगर तो गलत है, ठीक है। तो ये एक नोटिफिकेशन आई है, बहरहाल आप अपनी तैयारी जो है वो 27/12/2023 के हिसाब से करें, जिससे आपको ये पता रहेगा कि एग्जाम अब जनवरी में हो या कभी भी हो, 27/12 से आपके एग्जाम है ये आप मान लीजिए, और 18/22 तक आपको क्या करना है, अपने जो है वो फॉर्म्स भर देने हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।